तो हमने जेनेटिक कोड में बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स देखे, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, इन व्हाट मैनर दे आर अनएम्बिगुअस, इन व्हाट मैनर दे आर स्पेसिफिक एंड हाउ दे आर यूनिवर्सल। तो ऐसे हमने देखा जैसे कि वो सब के सब करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही नज़र आते हैं, जैसे कि स्पेसिफिसिटी ऑफ दी कोडोन मीन्स व्हाट डज इट मीन, स्पेसिफिसिटी ऑफ अमीनो एसिड, ए स्पेसिफिक कोडोन इज कोडिंग फॉर दी स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एक कोडोन है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, नॉट फॉर अदर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे वी ऑल्सो डराइव दी अनदर टाइप ऑफ दी करेक्टरिस्टिक अनएम्बिगुअस नेचर। अनएम्बिगुअस में व्हाट वी ट्राई टू प्रूव दैट द ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड हैज मोर देन वन कोडोन। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है और सिमिलैरिटी भी है। अभी हमने कहा स्पेसिफिक कोड है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अमीनो एसिड के बहुत ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। ठीक है, आई मीन टू से दे इफ दे आर मोर देन वन कोडोन दे आर कोडिंग फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये बात भी क्लियर हो गई, अनएम्बिगुअस नेचर प्रूव की जा सकी और उनके बीच में हमें डिफरेंस भी पता चल गया। देयर वॉज वन मोर करेक्टर दैट वॉज यूनिवर्सल नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर माइक्रोब्स टू वायरसेस टू दी हायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सब में बात करें ना, तो उसमें अगेन देयर इज ए वर्क और देयर इज ए रोल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ए स्पेसिफिक कोडोन इज कोडिंग फॉर द सेम अमीनो एसिड इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, इन सब ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह के ही अमीनो एसिड को कोड करता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द कंजर्वेशन accumulation of codon during the course of evolution, or I mean to say genetic code is conserved, और इतना समय पास होने के बाद भी, इतनी स्पीसीज के एवोल्यूशन के बाद भी, सो मैनी स्पीशीज आर इवॉल्व दीज डेज, बट वट दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज जेनेटिक कोड, इट इज़ प्रूव दैट ऑल दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि सेम एमिनो एसिड सेम जेनेटिक कोड, तो कुछ रोल ये जेनेटिक कोड भी पे कर रहा है इन कंजर्विंग दी एवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ दी what we can say genetics or genes is from the starting up till date now, starting से ही चला आ रहा है, वही genes है, वही सब कुछ है, वही genetic code है, और species अलग अलग होने के बावजूद भी they are coding, they are commanding similar kind of amino acids in all, तो this is universal nature, again exceptions are always there, जैसे कि हम देखते हैं there is a codon AUA which is coding for methionine in case of mitochondria, but what happens in cytoplasm is it is coding some another amino acid that is isoleucine, तो ये भी एक universal nature, moreover all they are similar but they are showing a little bit difference of characteristics also, बहुत सारे characteristics और भी देखे हमने, no punctuation, no pause, और we can say no coma, no overlapping we had seen, तो all they are proving the some स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक एक्यूरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, जो हमने एक डिटेल्ड अकाउंट में पढ़ ली है। अब हम एक और छोटे से पार्ट में आते हैं जेनेटिक कोड का, वन पार्ट वाज लेफ्ट कि व्हाट इज ए वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस भी मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया था, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या कहता है वोबल हाइपोथेसिस, जैसे कि इसको प्रूव किसने किया था, क्रिक ने। ठीक है, क्रिक ने ही बताया वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है, और वोबल हाइपोथेसिस जानने से पहले वी शुड नो what is codon and anticodon relationship, कि codon and anticodon relationship क्या होता है। जैसे कि मालूम है कि ए स्पेसिफिक कोडोन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए स्पेसिफिक कोडोन ऑन मैसेंजर आर एन ए इज कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, एंड इट इज ऑलवेज इन दी फॉर्म ऑफ 5' and 3' डायरेक्शन। आई मीन टू से इफ वी हैव टू रीड दी कोड, हम जब भी कोडोन्स को पढ़ेंगे ना, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, वी ऑलवेज विल बी रीडिंग फ्रॉम 5' end टू दी 3' end। दिस इज अ फर्स्ट कोडोन, दिस इज अ सेकेंड कोडोन एंड दिस इज द थर्ड कोडोन। तो 5' 3' end की तरफ से अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कोडोन, एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द 3' end एंड द लास्ट थर्ड कोडोन विल बी टूवर्ड्स द 3' end। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक एंटी कोडोन की बात करें जो इसको इसी कोडोन को रीड करेगा,
स्पेसिफिक कोडोन के लिए स्पेसिफिक एंटी कोडोन होता है विच इज कैरिड बाय दी ट्रांसफर आरएनए। ये तो अब हमें पता है, ये ट्रांसफर आरएनए ही मैसेज पढ़ता है डीएनए के द्वारा दिया गया, जो मैसेंजर आरएनए को कोडोन की फॉर्म में मिला था डीएनए से। अब आरएनए उसी मैसेज को पढ़ेगा तो इट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, किस डायरेक्शन में होगा, 3-5 डायरेक्शन में। ठीक है, तो 3-5 डायरेक्शन, इट इज एन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, बट रीडिंग विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, इफ यू वांट टू हैव दिस रीडिंग देन 5-3 एंड्स के कंपैरिजन में करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब हमने इसमें क्या देखना है कि विच विल बी द फर्स्ट, जो फर्स्ट है ना इसका, दैट विल बी, दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंटी कोडोन, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, दिस वी हैव टू काउंट। This is once again I am telling you, first 5-3 and say codon side अगर हमने study करी है ना, तो इसमें anti codon की side कैसे हमने study करनी है, reverse में, उसी तरह से नहीं करनी जैसे मैंने आपको अभी बताया था। दिस इज नॉट 1, 2 and 3, वी हैव टू रीड द कोडोन, एंटी कोडोन इन ऑलवेज 1, 2, 5-2, 3 एंड। आई मीन टू से दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंटी कोडोन, दिस इज द सेकेंड एंड द थर्ड, और फर्स्ट एंड टू कोडोन दे आर कॉम्प्लीमेंट विद द किस से, सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है ना एंड दिस इज सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एंटीकोडोन पार्ट, एंटीकोडोन 2 or 3 दे विल बी ज्वाइनिंग विद द फर्स्ट और टू बाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग एडिनिन विद यूरेसिल एंड साइटोसिन विद गुआनिन, दिस इज अ कन्वेंशनल बेस पेयरिंग और ट्रेडिशनल वी कैन से जो चली आ रही है अकॉर्डिंग टू दी वॉटसन एंड क्रिक और चारगफ के अकॉर्डिंगली। स्टार्टिंग में ही डीएनए का स्ट्रक्चर जब किया था तब से ही हम ऐसे ही कन्वेंशनल रीडिंग को, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को पढ़ते चले आ रहे हैं, एंड ऑफकोर्स इसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के ऊपर ही सब प्रोसेसेस डिपेंड कर रहे हैं। तो अब हमने देखा कोडोन एंटी कोडोन रिलेशनशिप में व्हाट हैपन्स, देयर इज, इफ देयर आर 3 codons एंड एंटीकोडोन में भी 3 codons हैं, तो एंटीकोडोन के लास्ट वाले 2 दे विल बी बेस पेयरिंग हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द फर्स्ट 2 ऑफ द मैसेंजर आरएनए, एंड देयर इज ए थर्ड बेस पेयर। व्हाट हैपन्स इन वोबल हाइपोथेसिस, समटाइम्स इट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द फर्स्ट बेस पेयर दैट इज टूवर्ड द 5- एंड ऑफ द एंटीकोडोन। एंटीकोडोन का जो फर्स्ट जो है ना, इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है, और वी कैन से एंटीकोडोन कैन नॉट रिकॉग्नाइज दी दिस एंड, एंड व्हाई दिस इज सो, बिकॉज वी नो दैट द ट्रांसफर आरएनए इज हैविंग, ट्रांसफर आरएनए जो है ना इस पे नियर अबाउट 7 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, और इन 7 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में 3 एंटीकोडोन होते हैं जो 3 कोडोन के साथ बेस पेयर करते हैं। तो ये एक स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंस हो जाता है किसका, ट्रांसफर आरएनए का, और जिसके कारण 3- एंड वाला जो भी कोडोन है इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विच इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट डैश एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के जो फर्स्ट डैश एंड के साथ का एंटीकोडोन है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और जिसके कारण देयर इज ए वोबलिंग ऑकर्स, वोबलिंग मीन्स डिफरेंट अमीनो एसिड्स, डिफरेंट कोडोन्स आर देयर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समटाइम सिमिलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, समटाइम डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे कि कॉन्वेंशनल बेस पेयरिंग तो यही है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स यूरेसिल गुआनिन के साथ ज्वाइन कर जाता है, जबकि ज्वाइन इसने किसके साथ करना था, एडिनिन के साथ करना था। मोर ओवर अगर हम कहें साइटोसिन किसके साथ, गुआनिन किसके साथ ज्वाइन कर जाता है, यूरेसिल के साथ, ठीक है, जबकि ज्वाइन किसके साथ करना था, इट हैज़ टू ज्वाइन विद द साइटोसिन, साइटोसिन के साथ करना। तो आई मीन टू से एबनॉर्मेलिटी आ जाती है थर्ड बेस पेयर पे, जिसको हम कहते हैं वोबलिंग, ठीक है। तो इस वोबलिंग के कारण देयर आर डिफरेंट कोडोन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटी कोडोन्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एंड वी कैन से देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, 40 के आसपास ट्रांसफर आरएनए होते हैं, दे विल बी कोडिंग फॉर 20 अमीनो एसिड्स, और कोडोन्स कितने होते हैं, 61,
और इन 61 को कोडोन्स के लिए नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए और एंटी कोडोन्स आर लेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज बेनिफिशियल कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्स आरएनए आर लेस, एंड समटाइम्स देयर इज ए कोडोन बायस। कोडोन बायस कंडीशन क्या होती है, जैसे कि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर हैविंग द नंबर ऑफ कोडोन्स फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए बहुत सारे कोडोन्स होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि अनएम्बिगुअस नेचर के अकॉर्डिंगली कि व्हाट हैपन्स देयर आर नंबर ऑफ कोडोन्स टू कोड फॉर वन अमीनो एसिड्स, बट व्हाट हैपन्स एन ऑर्गेनिज्म प्रेफर ओनली वन और टू कोडोन्स ऑल द टाइम फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के लिए कोड करने के लिए वन या टू कोडोन को बारी बारी उन्हीं कोडोन्स को यूज करेगा, जिसको हम बोल देते हैं कोडोन बायस, और यानी कि प्रेफरेंस ऑफ कोडोन बाय ऑर्गेनिजम्स। जब स्पेसिफिक कोडोन यूज किए जाएंगे तो स्पेसिफिक एंटीकोडोन्स होंगे, और स्पेसिफिक एंटीकोडोन्स होंगे तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए विल बी लेस कैरिंग दिस कोडोन्स, वो भी लेस होंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द कोडोन बायस कंडीशन, एंड इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक होती है। किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेम अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट कोडोन यूज होता है, एंड इन सम अनदर ऑर्गेनिज्म इट इज यूज डिफरेंटली। सो दिस इज रिगार्डिंग द वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया थर्ड नाइट्रोजन बेस पेयर कोडोन और एंटी कोडोन वोबल करते हैं, यानी कि थर्ड पोजिशन पे कोडोन का जो बेस पेयर होता है ट्रांसफर कोडोन उस अपने अकॉर्डिंगली उसको पेयर करता है, यानी कि उसके 7 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में से उसने 3 यूज करने होते हैं। तो एबनॉर्मल बेस पेयरिंग इज ऑल्सो देयर, एंड इट इज ऑल्सो कोडिंग समटाइम्स फॉर सिमिलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड एंड समटाइम्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, जैसे कि हम जेनेटिक कोड में चार्ट में देखते ही हैं। ऑलवेज देयर इज ए थर्ड पोजिशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कोडोन, थर्ड पोजिशन पे ही डिफर करता है, फर्स्ट टू लेटर्स तो सिमिलर ही हैं सब में, ठीक है ना। तो दिस इज वोबल हाइपोथेसिस, बहुत सिंपल हाइपोथेसिस है जो कि अनएम्बिगुअस नेचर के साथ कोरिलेट की जा सकती है, और क्यों हो जाता है ये चेंज ये भी मैंने आपको बताना जरूरी समझना था, और किस तरह से कोडोन एंटी कोडोन की पोजीशन को स्टडी किया जाता है। दिस शुड बी क्लियर टू यू ऑल्सो। सो वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज ए ट्रांसलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द प्रोसेस और एंड ऑफ द सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। व्हाट इज दिस दैट वी